करने वाला हूँ कुछ हार्डेस्ट ट्रिगर्स गिवन बाय माय यूट्यूबर फ्रेंड। ओके, तो जो पहला डियर वो हमको मिला है वो मिला है दिशान एफएफ जोन की तरफ से, और उसको आप खुद ही सुन लो। देखो मेरा डियर, देखो ये है कि तेरे को एक बैरियर ब्लॉक कलेक्ट करना है, वो भी एकदम सर्वाइवल में। बेस्ट ऑफ लक। तो लोग माइनक्राफ्ट खेलते आ रहे हैं या फिर उन्होंने रीस्टार्ट किया, तो उनको पता ही होगा बैरियर ब्लॉक ना ही क्रिएटिव से मिल सकता ना ही तुम्हें सर्वाइवल से मिल सकता। बैरियर ब्लॉक तुम्हें सिर्फ कमांड से मिल सकता है। जब तुम ये वाली कमांड डालोगे तुम्हें बैरियर ब्लॉक मिलेगा। तो मैं कैसे बैरियर ब्लॉक को कलेक्ट करूं इन सर्वाइवल माइनक्राफ्ट? तो बैरियर कलेक्ट करने के लिए मेरे पास एक दिमाग में आइडिया आ चुका था। चलो मैं आपको बताता हूँ वो आइडिया क्या है। तो अगर मैं अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाऊँ और सर्च मारूँ बिल्डिंग फॉर माइनक्राफ्ट, तो वहाँ पर लेजेंड ऐप आता है, उसको मैं डाउनलोड करूँ और उसको खोलूँ और सर्च मारूँ बैरियर, तो ये कुछ भी कॉपी पेश कर सकता है, कुछ भी, और इसको अपनी वर्ल्ड में पेश करने की कोशिश करूँ, और जो मेरी वर्ल्ड है डेयर इम्पॉसिबल, इसमें जरा मैं इसको पेश करने का ट्राई करता हूँ। ओके, लोडिंग हो रहा है। ओके, मेरे को समझ में आ गया। तो उसका मैं चेस्ट टिक रही हूँ, तो उसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, टिक मार देता हूँ। ओके, हो गया, माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आ गया हूँ अपनी। एंड अगर मैं आगे जाऊँ और एक चेस्ट दिख रही है मेरे को, ओके फाइनली कलेक्टेड बैरियर इन माइनक्राफ्ट सर्वाइवल। लाइक मैंने बहुत एक घंटा सोचा कि ऐसा करना है कैसे नहीं करना, फिर मैंने लाइव स्ट्रीम ऐसे ही देख रहा था, तो मेरे को बच दिया ये ऐप भी तो कोई है। तो सबूत के लिए तुम ये देख, हैंस मैंने ये वाला डेयर भी कंप्लीट कर लिया। ओके, सोलह डेयर जो आता है वो आता है गेमिंग दिशान की तरफ से। अब आप सोच रहे हो कि इस बंदे के इतने कम सब्सक्राइबर क्यों हैं, तो एक्चुअली इसका सेकंड चैनल है जिसका मेन चैनल है वो हैक हो चुका है एज यू कैन सी। तो प्लीज़ इस भाई को ज़्यादा सपोर्ट करना। बाय द वे थोड़ा मेरे को बुरा लगा कि इसका चैनल अभी हैक हो गया, लाइक अच्छा ग्रोथ चल रहा था। ओके, तो अब इनका डेयर आप खुद ही सुन लो। आपको वार्ड स्पॉन करना है और या तो एक्स से भी कर सकते हो या तो एनसीसीटी जा सकते हो, और बिना कोई टूल के उसे मारना है, और मतलब कुछ भी ले सकते हो, कमांड या क्रिएटिव यूज कर सकते हो, पर हाथों से मारना है इसे। ओके, ये आप किया। ओके, तो मैं ज़्यादा सामान तो यूज़ नहीं किया, बट देख सकते हो इतना सामान यूज़ किया, इसको हाथ से मारना है। तो क्या स्पॉन कर दिया, एंड नाउ इट्स टाइम टू किल हिम। वैसे तो मेरे पास इंचेंटेड गोल्डन एप्पल्स लाइक नॉचेस है, तो मेरे को इतना डैमेज तो नहीं पड़ेगा, एंड स्ट्रेंथ 2 भी है, तो शायद से जल्दी मर जाना चाहिए। और लेट्स गो, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भाई लाइक ये हाथ 2.5 किलो का है, जब वार्डन को पड़ेगा ना तो ये उठेगा नहीं, उठ ही जाएगा। अबे मर भी जा भाई, कितने हिट खाएगा। ओके लेट्स गो, मर गया, लेट्स गो। मैंने वार्डन को हाथ से मार दिया, व्हाट द हेक, वार्डन इतना कमजोर है क्या, मतलब ज्यादा रिसोर्सेज थे। चलो ये डेयर भी कंप्लीट हो चुका है, अब बढ़ते हैं अगले डेयर की तरफ। ओके, सो जो अगला डेयर दिया है वो दिया है हमारे बीआर भाई ने, और उनकी थोड़ी वॉइस करप्ट हो गई थी, इसलिए मैं आपको अपना उनका मैसेज दिखा देता हूँ। मैंने उनसे कहा था कि मैसेज भेजना, तो आपको खुद ही देख। ओके, सो द डेयर इज किल द अंडर ड्रैगन विद वुडन पिकैक्स एंड लेदर आर्मर एंड ओनली 2 स्टेक कोबलस्टोन्स, व्हाट अ बकेट बी।
ओके सो मेरी इन्वेंट्री कुछ ये होने वाली है, लेदर आर्मर, वुडन पिक, एक शेक कॉपर स्टोन, वाटर बकेट एंड कुछ खाना एंड वाटर बकेट। एक ही नहीं, मेरे पास पूरी इन्वेंट्री भर की होने वाली है। क्योंकि आप बोलोगे इतना क्यों ले रहे हो वाटर बकेट, तो अगर आपको एमसीबी में पता होगा तो जब भी ड्रैगन लाइक आपने वाटर प्लेस करा और ड्रैगन की नज़र वहाँ पड़ गई और वो वहाँ पर आ गया तो वो आपका पानी ब्लॉक कर देता है, फिर आपका पानी चला जाता है। इसलिए मैं रेस्ट नहीं ले रहा, इसलिए मैं अपने पास इन्फिनाइट रख रहा हूँ जिससे कुछ मैं ईजिली क्लाइम कर सकूँ। ओके चलो ये क्रिस्टल गया, थोड़ी स्लो ब्रिजिंग कर देते हैं, फास्ट ब्रिजिंग के लिए ज्यादा ब्लॉक्स है नहीं। It was at this moment that he knew he fucked up. Wake up to reality. हो भाई बच गया बच गया। ओके सारे क्रिस्टल मैंने फोड़ दिए, एक्चुअली मेरी वो वीडियो शिट ड्रैगन आ रहा है, नीचे आके बात करता हूँ। ओके हाँ, तो वो सारे क्रिस्टल मैंने फोड़ दिए बट वीडियो मैंने अनपॉज करना भूल गया था, मैंने पॉज कर रखी थी बट कोई ना, चलो अब उसको मारते हैं और क्या है। अबे तीली वुडन पिक्स छूट गई, शिट यार अब हाथ से मारना पड़ेगा। ओके चलो आखिरी कुछ हिट्स एंड ड्रैगन ओवर, लेट्स गो भाई लेट्स गो। लाइक कम से कम मेरे को 15 मिनट लग गए भाई इसको हाथ से मारते मारते, बट कोई ना, आज वार्डन को हाथ से मार दिया, ड्रैगन को भी हाथ से मार दिया, लेट्स गो। ओके मैं यहाँ पे पानी डाल देता हूँ इससे मैं नीचे ना गिरूँ, लाइक उसमें वॉइड मतलब उदाहरण चला जाऊँ ओवर वर्ल्ड में, ऐसे ऐसे होता नहीं मेरे को पता है, मैंने पता नहीं जुगाड़ करके कैसे भी कर रहा हूँ। ओके ओ ओ बच गया बच गया बच गया, ले लेते हैं वाटर टॉर्च, ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को ड्रैगन एग चाहिए। ये ब्लॉक तोड़ो, ये तोड़ा, ये तोड़ा, एंड टॉर्च लगा, ये तोड़ा और ड्रैगन एग मिल गया भाई फाइनली। ओके चलो वापस चलते हैं, मज़ा आ गया भाई वार्डियर के अपडेट करके, कुछ भी बोलो। ओके इसको इधर प्लेस कर देते हैं एंड इसी के साथ हमने ये वाला डेयर भी कंप्लीट कर लिया है और ये ड्रैगन एग सबूत है कि हमने वाला डेयर फेयरली कंप्लीट किया है। ओके सो जो अगला डेयर आता है वो आता है अपने प्रिय दोस्त रेड हार्ट पार्को की तरफ से। डू 3 ब्लॉक न्यू, भाई मैंने आज तक न्यू नहीं करा कभी, व्हाट द हेक। नहीं मिस हो रहा है क्या, व्हाट द। ओके चलो चलो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ओके सो जो अगला डेयर आता है वो आता है डार्क शैडो गेमों की तरफ से और उनका डेयर कुछ ये है, किल 10 रेवेंजर। ओके रेवेंजर विद लेदर आर्मर एंड स्टोन टूल एंड नो पोशंस नथिंग ओनली 20 कुक पॉचअप एंड बो एंड एरोज। ओके सो मैं रेडी हूँ और मैंने 10 मतलब वो जो सॉरी 20 पाक चुप की 20 बीफ लिया क्योंकि वो थोड़ा डिसरिस्पेक्ट था। What the heck, मेरी स्वॉर्ड गई शिट। It was at this moment that he knew he fucked up. Wake up to reality. ओ भाई बच गया। Tell me one more beautiful lie. One touch and I ache. Like a starship speeding into the night. You and I get lost in the infinite lights. Baby, tell me one more beautiful. Okay, so जो अगला डेर आता है वो आता है बोलजी गेमर की तरफ से। बोलजी गेमर का एक्चुअली हम लोगों का वॉइस करप्ट हो गया था, करप्टिव हुआ पूरी वीडियो में सब कुछ। तो सिंपल इसका डेर ये है कि मेरे को 3 बार लगातार बोट क्लच करना है। देखो मैं पहले ही बता दूँ, उसने बोट टच कहा था कि 3 बार लगातार बोट क्लच करना है, ये नहीं कहा था कि वर्ल्ड हाइट लिमिट से करना है। मैं 7 ब्लॉक की हाइट से करूँ या 1 ब्लॉक की हाइट से करूँ क्या जा रहा है, बट फॉल डैमेज पड़ना चाहिए इसलिए मैं 7 ब्लॉक की हाइट से किया, थोड़ी ना उससे ज़्यादा आसान होता है। तो देखो भाई उसने नहीं कहा, ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है उसे आके बोलना है। ओके चलो ये डेयर भी कंप्लीट हो चुका है, अब बढ़ते हैं अगले डेयर की तरफ। ओके सो जो अगला डेयर आता है वो आता है जारुटो की तरफ से और उनका डेयर है, भाई आपका चैलेंज है कि आपको हाफ आर्ट पर 8 टाइम लड़क क्लच करना है, उसके बाद हाफ आर्ट पर ही 3 ज़ॉम्बीज को मारना है बिना किसी टूल और आर्मर के। ओके लेट्स गो देन। ओके तो बात सिंपल है, यहाँ से मैं लड़क क्लच करूँगा और मैं हाफ आर्ट पर हूँ, लड़क क्लच करने के बाद मैं 3 ज़ॉम्बी नीचे स्पॉन करूँगा। ओके चलते हैं और ओके लेट्स गो। हो गया हो गया हो गया, पता नहीं अजीब से लगा कि ओके पहला हिस्सा तो हो चुका है, अब हम ज़ॉम्बी को मारना है और हमारा सेकंड भी हो जाएगा, तो चलो इनको मार के मिलता हूँ मैं आपको। ओके तो ये तीनों भी गए और इसी साथ ये डेयर भी कंप्लीट होता है, अब बढ़ते हैं अपने अगले डेयर की तरफ। ओके सो जो अगला डेयर आता है वो आता है धनंजय भाई की तरफ से और उनका डेयर आप खुद ही सुन लो। ओके तो ओमपीएस भाई देखो आपका डेयर है कि आपको सर्वाइवल में
वार्डन के सामने सर्वाइव करना है, वो भी एक फेंस का रूम होगा, एक फेंस का आप बना लेना जैसे आप एनिमल टेम करते हो वैसे, एंड देन आपको वहां पे एक वार्डन स्पॉन करना है। एंड आपके पास कोई रीजनरेशन के पोशन, कोई तरीके का पोशन नहीं होगा, कोई चीट्स यूज नहीं कर सकते, एंड आपको सिर्फ नॉर्मल गोल्डन एप्पल यूज करना है, इंचेंटेड एप्पल्स भी यूज नहीं कर सकते, एंड कोई आर्मर भी यूज नहीं करना है, यही आपका देर है। एंड आपको उसके सामने मतलब 1 मिनट तक सर्वाइव करना है बस। तो धनंजय भाई ने मेरे को ऑफर तो किया था कि गोल्डन एप्पल ले लो, बट मैंने नहीं लेना क्योंकि भाई छोड़ो। और अब मैं आ रहा हूँ सर्वाइवल में, और सर्वाइवल में आते ही टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ओके तो 3 2 1 स्टार्ट। ओके सो टाइमर तो स्टार्ट हो चुका है और मेरे को बस 1 मिनट इस बॉर्डर के सामने टिकना है। भाई ये बैंड बजाने वाला झूठ नहीं कह रहा, भाई ये बगल से निकल रहा है ऐसा ही है। एक मैं स्नेक हूँ एकदम, मेरे को रिस्क नहीं लेने का है, मैं जैसा हूँ सही हूँ, क्योंकि भाई ये वार्डन अगर एक बार से मेरे को देख लिया मेरे को एक अटक मार के खत्म कर देगा। एक सेकंड, ये वॉकिंग कर रहा है क्या यहाँ पे? इसको पाथ भी लग रहा है क्या अपना? ये वहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, मैं गोल गोल घूमे जा रहा हूँ। कोई बेबलेट की मैच हो रही है क्या? बेबलेट में भी तो ऐसे होता था, एक बेबलेट यहाँ से वहाँ जाता था, दूसरा घूमता रहता था। मैं घूमने वाला हूँ बस, क्योंकि इधर से उधर ही जा रहा है और बहुत अच्छी बात है। पर अगर मैं टकरा गया ऐसे, अगर मैं टकरा गया ऐसे तो ख़त्म है मेरी कहानी, ख़त्म है। ओके आधे से ज़्यादा हो चुका है, मतलब मैं शायद से कर लूँगा, बस थोड़ा सा साइड से ज़्यादा पास नहीं आना, सिर्फ दूर ही रहना है और स्नीक छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर स्नीक छोड़ा तो फिर हो गया काम। 46 47 48 49 50। ओके नाइस नाइस, ख़त्म होने वाला है। भाई ये पास से इतना क्यों निकल रहा है? पास से मत निकल पाए भाई बस इतना। ओके 46 57 58 59 60। और इसके साथ ये वाला चैलेंज भी डन हो चुका है, अब बढ़ते हैं अपने अगले चैलेंज की तरफ, एके डेयर की तरफ। ओके सो इस वीडियो का जो आखिरी डेयर आता है वो आता है पेन जी जी की तरफ से, और इस डेयर में से मैंने इसमें बहुत बड़ा डेयर लिखा था, तो उसमें से कुछ पार्ट मैंने काट लिया क्योंकि वो कुछ और यूट्यूबर्स ने भी लिखे थे मेरे लिए, तो वो मैं अगले पार्ट में करने वाला हूँ। तो लेट्स गो। डू सैंड वॉल रन देन लावा बोट क्लच इन अराउंड 20 ब्लॉक्स, देन डू पार्कोर ऑफ 4 एंड 3 ब्लॉक्स 10 टाइम्स, देन बोट क्लच, देन किल 10 ज़ॉम्बी विदाउट आर्मर विद फिश, यू कैन यूज लेदर आर्मर, देन क्राफ्ट वाटर बकेट एंड कोल्ड्रॉन से वाटर निकाल के क्लच ओवर। अर्ज किया है, पानी में चलती है मछली और हवा में उड़ता परिंदा है। वाह 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 वाह, पानी में चलती है मछली और हवा में उड़ता परिंदा है। इंग्लिश, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अभी जिंदा है। ओके इसमें से मैं सैंड सॉरी वो 20 ब्लॉक्स लावा का था वो नहीं करने वाला, क्योंकि किसी और ने दे रखा है मेरे को, और ज़ॉम्बी वाला नहीं करने वाला क्योंकि बकवास है। ओके तो ये सेटअप है, यहाँ पे मैं चेस्ट से मैं सैंड लूँगा, यहाँ से क्लच करूँगा, ये जो लावा से लगा रखा है मैंने बट मैं उसको करूँगा नहीं है। फिर मैं यहाँ से थोड़ा पार्कोर करूँगा, उसके बाद मैं चेस्ट में से एक बोट लूँगा और नीचे क्लच करूँगा, ये चेस्ट थोड़ा इग्नोर मारना है, मैंने ऐसे ही लगा दी। और उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा और ऊपर जो चेस्ट है वो जो आपको दिख रही है उसमें से मैं लूँगा 3 आयरन, उसमें क्राफ्टिंग टेबल में सीधा कूदूंगा मतलब, और से वाटर मतलब बकेट बना के अंदर वाटर लेके MLC। Bye, have a great time.